सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय जी क्या पता चला इसके बारे में? ऐसा था जी, मैं सुबह 5 बजे घर से बाहर आया, मेरा घर सामने ही है, और मैं बाहर आया तो मैंने देखा था क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये टेम्पू के अंदर 8-10 गाय जो घायल अवस्था में थी, और यहाँ पुलिस वाले भी आए हुए थे, काफ़ी गाड़ियाँ भी खड़ी थी, तो मैंने यहाँ पर आके देखा कि बता रहे थे कि सुनने में ये आया कि भाई ये मेवाती गैंग के लोग थे, जिसमें से 7-8 आदमी थे ये, और ये द्वारका से कहीं से इन्होंने इन गाय को उठाया था, जिसमें क्या कहते हैं जब ये पिकट पड़ती है गोला रेरी की कुतुब विहार की, उस पर जब ये वहाँ से निकलने लगे तो इनको अगर पिकट पर रोका गया पुलिस वालों ने तो इन्होंने उस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू करने के साथ साथ उन्होंने गोली भी चलाई, जिसमें क्या कहते हैं 10 दर्जन भर गोलियों से ज़्यादा गोलियाँ चली हैं, और इसके अंदर एक आदमी को गोली लगी है, उनके 5 से 6 लोग फरार हो गए हैं, ठीक है, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, और उसके बाद तो फिर क्या कहते हैं गाय 8-10 गाय हैं जिसमें घायल अवस्था के अंदर है, और उनको गायशाला भेजा जा रहा है, जो भी मतलब, और इनके लिए अच्छा कानून बने जिससे क्या कहते हैं आगे कोई घटना ना हो, ठीक है जी। ये छावला इलाका लगता है जी? ये छावला थाना लगता है और दीनपुर ये छावला इलाका लगता है, ठीक है जी। द्वारका से बताते हैं, द्वारका से लेके आए थे, और मैं इन पुलिस वालों की बहुत सराहना करता हूँ जिन्होंने गौ माता के लिए इतना वो लिया, और ये इनकी ड्यूटी भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है काबू करने के लिए। जो टेम्पू में इन्होंने थे, इनके पीछे जो गाड़ी लगाई गई तो ये काबू में नहीं आ रहे थे, तो इनके टायर के अंदर गोली लगी, और कम से कम क्या कहते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर से ये टायर फटा, तब ये काबू में आए, और ये छावला थाने के सामने इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया।